सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप संस्कृत विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो, जो है संधि। संधि से आप लोगों के डीएलएड के एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही हैं, यूपी टेट सुपर टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया आपने इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर आपको हमेशा नंबर दिलाएगा। तो बहुत ही अच्छे से मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ा या संस्कृत नहीं आती है, वो लोग अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें कि इनको संस्कृत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जितने भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं वो तो आपको समझ में आ ही होंगे, और ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको एक एक नियम समझाने वाली हूँ संधि के, कैसे संधि विच्छेद होता है, संधि के कौन कौन से नियम होते हैं जिनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। खाली एग्जाम्पल्स को समझ करके आप किसी भी प्रकार का अगर कोई भी शब्द आता है तो उसका संधि विच्छेद आप कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप संधि भी कर लेंगे, संधि विच्छेद भी कर लेंगे। तो हर चीज यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी सरल भाषा में, तो बस आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, और जहां कहीं भी कोई भी चीज नहीं समझ में आती है हमसे पूछ। दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पर एक एक रूल को समझेंगे। पहले बात तो संधि किसे कहते हैं ये हम देखेंगे, फिर संधि के भेद देखेंगे, फिर इसके बाद हम एक एक संधि के विषय में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या फिर इसे हम सिंपली भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सिर्फ अगर आप इतना ही परिभाषा लिख देते हो तभी भी वो परिभाषा बिल्कुल पूर्ण होगी, सही होगी। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं, जैसे कि दया धन आनंद, दया धन आनंद बराबर दया नंद, में दया का आ और आनंद का आ मिलकर आ हो गया। यहां पर बताया गया है कि दया में यहां पर ये इसमें आ की मात्रा है और यहां तो आ है ही, तो ये आ और आ मिलकर के क्या हो गया, आ हो गया है, तो इसीलिए यहां पर ये दयानंद हो गया है, यही यहां पर बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, संधि के भेद हम पढ़ेंगे, फिर सारे नियम जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी, और हर एक प्रशिक्षु को संस्कृत विषय बहुत आसान लगेगा। बस आप लोग मेरे साथ जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ और जो रूल्स मैं आपको समझा रही हूँ उसको समझना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, आप लोग रिजल्ट खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो होती है, इसमें स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, तो इसीलिए हम इसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद फिर व्यंजन संधि, क्योंकि स्वर संधि से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए स्वर संधि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो स्वर संधि आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। तो दोस्तों चलिए स्वर संधि के विषय में हम देखेंगे। जो स्वर संधि होती है इसके सात भेद होते हैं, दीर्घ संधि जिसका फॉर्मूला होता है अक सवर्ण दीर्घ, गुण संधि जिसका फॉर्मूला होता है आदगुणा, वृद्धि संधि जिसको हम कहते हैं वृद्धि रेची, इसका फॉर्मूला होता है वृद्धि रेची, चौथा है यण संधि जिसे हम कहते हैं इको यणची, और पांचवा है आयादि संधि यानी कि एचो आय वयावह, एचो आय वयावह, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये भी, एचो आय वयावह। इसके बाद देखिए पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, लेकिन मैक्सिमम ये जो पांच हैं इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, इन पांचों का फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से समझ लिया, यहाँ पर जो मूल सूत्र लिखे हुए हैं इनके और जो एग्जाम्पल्स जो नियम मैं बताने वाली हूँ उनको अगर आपने समझ लिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आते हैं। तो आप लोग स्वर संधि को बहुत ही अच्छे से समझ करके पढ़िए, क्योंकि सारे रूल आपको मैक्सिमम इसी के समझने हैं। तो एक एक को मैं समझाऊंगी, सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि जिसका फॉर्मूला होता है अक सवर्णे दीर्घ। दोस्तों यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि में देखिए आप इसका फॉर्मूला अक सवर्णे दीर्घ, यानी कि यहां पर बताया गया है इसका जो अगर हम अर्थ देखें तो हो जाएगा समान वर्ण आने पर उसका दीर्घ हो जाता है। जब हरस्व अथवा दीर्घ, हरस्व का मतलब छोटा अथवा दीर्घ मतलब बड़ा, तो हरस्व छोटा आ या बड़ा आ के बाद देखिए यहाँ पर अ ई उ री के बाद
उनके समान स्वर सवर्ण आए तो उनके स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर छोटा आ के बाद छोटा आ आता है तो उसका बड़ा आ हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि राम धन अवतार मिलकर के क्या हो गया, रामा अवतार हो गया। तो देखिए यहाँ पर राम में छोटा आ था आ, और यहाँ पर आ तो है ही, तो ये मिलकर के क्या हो गया, आ हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए राम, राम धन अवतार रामा अवतार हो गया। इसी प्रकार छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया। धन धन अर्थी, धन ना में आ और यहाँ पर आ है ही, तो ये आ और आ मिलकर के क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। तो क्या हो गया, धनार्थी हो गया। क्या हो गया, धन धन अर्थी धनार्थी, ना पर आ की मात्रा हो गई। इस तरीके से देखिए, फिर सुर धन अरी है, तो यहाँ आ और आ मिलकर के सुर में, यहाँ रा में आ है और आ तो यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर आप देखिए आ और आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, सुरारी हो गया, रा पर आ की मात्रा हो गई। इस प्रकार देखिए, अब छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ आ गया तो भी इसका क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। तो छोटा हिम धन आलय, आप देखिए हिम यहाँ पर छोटा आ, यहाँ पर क्या है आ में, यहाँ बड़ा आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ा आ हो गए, तो क्या हो गया, हिमालय हो गया। फिर देखिए यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या हो गया, बड़ा आ कैसे, पुस्तक में आ और यहाँ पर बड़ा आ दिया हुआ, तो ये क्या हो गए मिलकर के, बड़ा आ पुस्तकालय बन गया। इसके बाद देखिए फिर जलधन आशय, तो यहाँ पर आप देखिए आ और आ मिलकर के, यहाँ पर आ है, ल में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर आ दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ा आ। हर सिचुएशन में आपको बड़ा आ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए जलाशय हो गया, आ की मात्रा हो गई। फिर देखिए इसके बाद अगर बड़ा आ के बाद छोटा आ आता है तो क्या होगा, बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तो उसका भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ ही होगा। तो देखिए विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, तो यहाँ पर आप देखिए रूल कैसे आपको समझना है, विद्या धन अर्थी, यहाँ पर विद्या में आ, विद्या में आ है और यहाँ छोटा आ है, तो ये मिलकर के क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, तो ये विद्यार्थी हो गया। इसके बाद बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ आता है तो भी उसका क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। जैसे कि दया धन आनंद, तो यहाँ पर आपको ये रूल मैंने पहले ही बताया है, जब मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको संधि का, जब संधि पढ़ाने के बाद फिर मैंने संधि की परिभाषा के बाद एक एग्जाम्पल बताया था दया धन आनंद का, एक एग्जाम्पल आपको बताया, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आ और आ मिलकर के क्या हो गया, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या हो गया है, बड़ा आ ही हुआ है, तो दया धन आनंद है, दया नंद हो गया। फिर बड़ा आ और बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाएगा विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो यहाँ पर जो आपने रूल देखा, आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि चाहे छोटा आ के बाद छोटा आ आए तो भी उसका बड़ा आ होगा, चाहे छोटा आ के बाद बड़ा आ आए तो भी उसका बड़ा आ होगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा चाहे बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तो भी उसका क्या होगा, बड़ा आ होगा, बड़ा आ के बाद बड़ा आए तो भी उसका क्या होगा, बड़ा आ होगा। यानी कि हर कंडीशन में आपको बड़ा आ मिलेगा, कब, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं। समान स्वर का मतलब है कि जो समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो सेम होता है, आपको पता है। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई का भी उच्चारण स्थान सेम होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी उच्चारण स्थान सेम होता है। तो इनके बाद अगर यही समान स्वर आते हैं तो उनका क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, यानी कि छोटा आ का क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ का बड़ा हो जाएगा, बड़ा ऊ का भी क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा, बड़ी ई का क्या होगा, वो भी बड़ी ई ही होगा, बड़ा आ का क्या होगा, वो भी बड़ा आ ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में आपको बड़ा आ ही मिला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्वर, चाहे चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, जब वो मिलेंगे आपस में तो वो क्या होंगे, दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है, अका सवर्ण दीर्घ, यानी कि जो वर्ण है, जो समान वर्ण आने पर समान ध्वनि वाले जो उत्पन्न करते हैं जो स्वर, वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो रूल है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। बहुत ही आसान है, वही फिर रूल है, जैसे छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएंगे। जैसे कि कवि धन इंद्र, कवि यहाँ पर देखिए छोटी ई है, कवि पर ई छोटी ई की मात्रा लगी है और यहाँ पर छोटी ई लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कवींद्र, क्या हो गया, दोनों मिलकर के बड़ी ई की मात्रा व पर आ गई, कवींद्र। इसके बाद फिर देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई होगा, गिरिधन
इंद्रा। तो यहां पर आप देखिए गिरिधन इंद्र मिलकर के गिरिंद्र हो गया। यहां पर र पर क्या आ गई, बड़ी ई की मात्रा आ गई। इसके बाद यहां पर आप देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। तो मुनि धन ईशा, यहां पर छोटी यहां पर बड़ी मिलकर के बड़ी मुनीषा हो गया। फिर यहां पर आप देखिए छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी क्षितिधन ईशा। तो यहां पर छोटी था, यहां पर बड़ी आपको मिला, तो ये क्या हो गया, बड़ी हो गया। क्या हो गया, क्षितिशा। तो इस तरीके से यहां पर आपने देखा कि यहां सभी कंडीशन में क्या मिल रहा है आपको, बड़ी ई मिल रहा है। ऊपर आपने देखा तो सभी कंडीशन में आपको बड़ा आ मिल रहा था। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी और भी एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई ही होगा, ये आपने देखा है अभी, जैसे कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ ही मिला था। तो यहाँ पर आप देखिए नदी धन ईशा, नदी धन ईशा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई ही मिलेगा आपको, नदीशा। इसके बाद फिर बड़ी ई और बड़ी मिलकर बड़ी ई मिलेंगे, तो यहाँ पर बड़ी ई ही मिलेगा हमें, तो मही धन ईशा, महिषा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नियम है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। कैसे, यहाँ पर आप देखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद चाहे छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ होना चाहिए। तो छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, हर सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, बड़ा ऊ ही मिलेगा। कैसे, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गए। जैसे कि भानु धन उदय, यहाँ पर छोटा ऊ था और यहाँ पर भी छोटा ऊ था, ये मिलकर के बड़ा ऊ, भानु उदय। ना पर आपको बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। फिर देखिए छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा, विष्णु धन उदय, विष्णु धन उदया, विष्णु उदया। यहाँ पर देखिए अणा पे आपको बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी। फिर यहाँ पर देखिए मधु धन ऊर्मि, यहाँ मधु में छोटा ऊ है और यहाँ पर ये बड़ा ऊ है, तो ये मिलकर के क्या हो गया, मधुर्मी, यानी कि बड़ा ऊ। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, लघु धन ऊर्मी, लघु ऊर्मी। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देखिए इन सभी को, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम मिस नहीं होता जिसमें संधि से क्वेश्चन ना आता हो। संधि टॉपिक से हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक बार आप समझ लेंगे तो ये सारी चीजें आपको फिर आगे भी काम आने ही वाली है जल्द ही। देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। वधू धन उत्सव, हमेशा याद रखिएगा जो वधू होती है उसमें वधू में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, वधू में। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो गए, बड़ा ऊ, वधू उत्सव। फिर यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, भू धन ऊष्मा, भूष्मा। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम है, री और री के बाद यदि री या री आए तो दोनों के स्थान पर ये री हो जाता है, तथा री के बाद अगर ली आता है तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये री और री मिलकर के पितृधन ऋणम, पितृणम, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और जो री के बाद अगर री आता है तो उसका क्या हो जाता है, देखिए होत्री धन ऋकार है, होत्री कार है, यानी कि इसका भी री हो जाता है। यहाँ पर री था और यहाँ पर क्या था, री था, तो ये मिलकर के क्या हो गया, री हो गया। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं गुण संधि। गुण संधि का फॉर्मूला होता है आद गुणा, क्या होता है, आद गुणा। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है अ और आ, अ और आ के बाद चाहे छोटा अ हो चाहे बड़ा अ हो, इनके बाद अगर ई आता है, ऊ आता है, री आता है या ली आता है, ई ऊ री री अगर आता है तो कोई भी स्वर इनमें से अगर आता है तो ई की जगह पर हो जाएगा ए, ऊ की जगह पर हो जाएगा ओ, री की जगह पर हो जाएगा अर, और री की जगह हो जाएगा अल। बस आपको यही याद रखना है। अब एक एक को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो उसके स्थान पर हमें ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जैसे कि देखिए चाहे आ हो या आ हो, इनके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसके स्थान पर हमें ए देखने को मिलेगा। आप देखिए सब जगह ए मिल रहा है। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि गज धन इंद्र, जा में आप यहाँ पर देखिए आ छिपा हुआ है और यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो आ के बाद अगर ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए की मात्रा गज धन इंद्र, गजेंद्र। फिर अ के बाद अगर ई आता है तो उसका हो जाएगा ए, तो उपधन इंद्र, उपेंद्र। यहां पर आप विसर्ग लगा लीजिए। इसके बाद देखिए
अ के बाद अगर बड़ी ई आता है तो उसका भी क्या हो जाएगा, नर धन ईशा। हमें यहाँ पर देखिए ई बड़ी ई है, नर में अ है, यहाँ पर अ के बाद बड़ी ई आएगी तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो नर धन ईशा नरेशा। फिर अ के बाद अगर बड़ी ई आती है तो उसका भी ए हो जाएगा, तो सुर धन ईशा सुरेशा। इसके बाद बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई आती है तो उसका भी क्या होगा, ए ही होगा, तो महाधन इंद्र महेंद्र। याद रखिएगा महाधन इंद्र महेंद्र। यहाँ पर बड़ा आ के बाद क्या आया है, आ हा में बड़ा आ था और यहाँ पर छोटी ई, तो बड़ा आ के बाद छोटी ई आई तो क्या हो गया, ए हो गया। सब में आपको ए ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद बड़ा आ के बाद बड़ी ई अगर आती है तो रमा धन ईशा रमेशा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, आपके यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से। बड़ा आ के बाद बड़ी ई आती है तो उसका भी क्या होगा, ए ही होगा, रमा धन ईशा रमेशा। अक्सर इसका छंद विच्छेद करने के आता है रमेश का, तो रमा धन ईशा होता है, याद रखिएगा। और राकेश का राका धन ईशा राकेशा। बड़ा आ यानी कि का में क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो बड़ा आ के साथ अगर बड़ी ई आती है तो उसका ए हो जाएगा, तो राकेशा। इस तरीके से आपको सब में एक ही मात्रा देखने को मिल रही है, सब में आपको ए देखने को मिल रहा है, सब में आपको ए मिल रहा है। तो याद रखिएगा जहां पर भी आपको एक ही मात्रा दिखेगी उसमें आपको गुण संधि ही मिलेगा। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ। अगला नियम है यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर हम ओ हो जाता है। अभी आपने देखा अ या आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो उसका ए हो जाता है। अब आप देखोगे अ या आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो इन दोनों के स्थान पर हमें ओ मिल जाएगा। ऊ का ओ और ई का ए हो गया, यानी कि ये जो आप गुण संधि पढ़ रहे हैं उसमें ई का ए हो जाएगा और ऊ का ओ हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए अ के बाद अगर छोटा हुआ है तो ओ, सब जगह आपको ओ ही मिलेगा, चाहे अ के बाद छोटा हुआ है चाहे आ के बाद बड़ा हुआ है, सब जगह आपको ओ ही मिलने वाला है। तो नर धन उत्तम, यहाँ पर र में क्या है, आ छिपा हुआ है और यहाँ पर उ, तो ये आ के बाद उ आया तो क्या होगा, ओ, तो ये हो गया नरोत्तमा। फिर सूर्य धन उदय, तो सूर्य यहाँ पर अ मिला, सूर्य में अ और यहाँ पे उ, अ और मिलकर के सूर्योदय। फिर यहाँ पर आप देखिए हित धन उपदेशा हितोपदेशा, क्यों यहाँ पर हुआ ऐसा, क्योंकि अ के बाद उ आया तो क्या हो गया, ओ हो गया। फिर आ के बाद अगर उ आता है गंगा धन उदकम गंगोदकम, फिर ओ की मात्रा आ गई गा पर। इसके बाद देखिए आ और उ मिलकर के ओ, फिर महाधन उत्सव महोत्सव, फिर गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, क्यों, क्योंकि आ और उ मिलकर के ओ हो गए। फिर तव धन उर्मी क्या हो गया, तवोर्मी, कैसे, आ और उ मिलकर के क्या हो गए, ओ हो गए। फिर आ और बड़ा उ मिलकर के ओ, नव धन ऊढ़ा नओढ़ा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो। तो नव धन ऊढ़ा, यहाँ पर क्या है, व में आ छिपा हुआ है और ऊढ़ा में बड़ा ऊ, तो ये हो गया नवोढ़ा। याद रखिएगा कि इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे अगला नियम है यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, जैसे कि अ और री यहां पर मिलकर के अर हो जाएंगे। देव धन ऋषि क्या हो गया, देवर्षि। फिर अ के बाद अगर री आए तो अर, फिर महाधन ऋषि महर्षि। फिर अ के बाद री आएगा तो फिर अर होगा, तो परम धन ऋषि परमर्षि, यहाँ पर आप विसर्ग लगा लीजिए। इसके बाद देखिए अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है, जैसे कि तव धन ऋकारा क्या हो जाएगा, तवल कारा। तो इस तरीके से जितने भी रूल थे आपको मैंने दीर्घ संधि और गुण संधि आज यहाँ पर पढ़ा के खत्म कर दिया आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग के कॉलेज का जहां पर भी, वहां पर प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु जिनको भी संस्कृत में कहीं किसी प्रकार की समस्या है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। संस्कृत विषय को बहुत ही आसान बनाना है मुझे आप लोगों के लिए, और आप लोगों के संस्कृत विषय को पूरा अच्छे से पढ़ाना है, आप लोगों के सभी डाउट्स को भी क्लियर करना है, और सारी चीजें आपको इतनी आसान आप लोगों के लिए बना देनी है कि संस्कृत में आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर करके आए अपने एग्जाम में। दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को बिना मिस किए देखते रहें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर सचिव मूल्यांकन पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया मैंने। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। थर्ड पेपर साइंस भी पढ़ा के खत्म कर दिया है। सभी की वीडियोस आप देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करते हैं तो आपको इन सभी विषयों की जो नोट्स आप देख रहे हो मिलेंगी और आपके व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का समाधान भी हम करेंगे। तो अधिक से अधिक प्रश्न जरूर चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप सभी वीडियोस को देखिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते चलिए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे बने रहेंगे। अब दोस्तों अभी तक आपने केवल क्या पढ़ा है, दीर्घ और गुण संधि आज की इस वीडियो में। कल की वीडियो में हम आगे तक पढ़ेंगे और स्वर संधि को पूरा खत्म करेंगे, फिर हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।